जिहाद आजादी के साथ अपनी कमिटमेंट का आपने जिस भरपूर अंदाज में आपने मुजाहरा किया, मैं इस पे आपको सलामी अकीदत पेश करता हूँ। आज जिस तरह पाकिस्तान की आजाद कश्मीर की मुख्तलिफ जमातों ने अफवाज पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती के लिए आज के जुमे को मनाने का ऐलान किया, इसी तरह पाकिस्तान के मदारस का सबसे बड़ा बोर्ड वफाक मदारस अरबिया, उसने भी पूरे पाकिस्तान में अफवाज पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती के लिए आज का दिन मनाने का ऐलान किया। इसी तरह कायद जमीयत मौलाना फजल रहमान ने आज पूरे पाकिस्तान में अफवाज पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती के साथ जो है वो योम यकजहती मनाने का ऐलान किया, और कश्मीर भर के अंदर तमाम जमातों ने आज इसका इयादा किया, और अहलियान बलंदरी ने अपने उस शऊर का और अपने उस इदराक का भरपूर मुजाहरा किया। जहाँ करारदादे पेश की गई, मेरा ख्याल है कि उन करारदादों में इस करारदाद को भी शामिल किया जाए कि मकबूजा कश्मीर के अंदर हमारे वो कैदी कि जिनकी सजाएं पूरी हो चुकी है, जिनको कोर्टों ने वहां रिहा कर दिया है, फैसला उनके हक में आ गया है, इसके बावजूद वो आज तक जो है वो हिंदुस्तान की कैद में है, उनको जल्द अज जल्द वागजार करवाया जाए। लिहाजा आप इसकी तायद करते हैं। आज हमारे जो है वो कैदियों के बारे में, जो है वो आसिया इंद्राबी के बारे में, यासीन मलिक के बारे में, अगर ये कहकर तो उस पायलट को आजाद किया जाता तो मेरे ख्याल में ये ज्यादा जानदार बात होती, ये ज्यादा मजबूत बात होती। लिहाजा आज के इस इज्तमा के हवाले से हम अपने उन मजलूम कैदियों के साथ, अपने उन मजलूम मुजाहिदों के साथ जो अपनी अपनी सजाएं पूरी कर चुके हैं और इसके बावजूद भी कोर्ट फैसला दे चुका है, इसके बावजूद वो आज भी अपनी जो है वो उसी जेल के अंदर बैठे हैं, हुकूमत पाकिस्तान इस मरहले पर भरपूर किरदार अदा करते हुए उनकी आजादी के लिए, उनकी आजादी के लिए भरपूर सफारती जंग करके तो इस मरहले पर उनको आजाद किया जाए। हम अफवाज पाकिस्तान के साथ जो है वो इस पूरे खित्ते का हर फर्द भरपूर तवानाई के साथ, पूरी कुव्वत के साथ मसालिक और जमाती और सियासी वाबस्तगियों को पाला ताक रखकर एक कुव्वत के साथ कहते हैं अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, और बुलंद आवाज से अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, मुजाहिदीन ने आजादी है कश्मीर जिंदाबाद, तहरीक हुर्रियत है कश्मीर। मेरे बहुत मुकाबले एहतराम दोस्तों, मैं एक एक फर्द का दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ, दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी इस तहरीक को कामयाबी अता फरमाए, आमीन आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على رسوله محمد واله واصحابه اجمعين يا رب العالمين يا اكرم الاكرمين يا الله پاکستان کو استحکام عطا فرما امين يا الله پاکستان کو استحکام عطا فرما امين يا الله مقبوضہ کشمیر کو آزادی نصیب فرما امين يا رب العالمين جتنے دوست ہمارے چل کر آئے یا اللہ اپنا وقت قربان کیا یا رب العالمین یہ جہاد کی نیت سے آئے یا اللہ ان قدموں کو نیکی شمار کر کے یا اللہ آخرت کے درجات کو بلند کر بلند عطا فرما یا رب العالمین یا ارحم الراحمین مقبوضہ کشمیر کو آزادی نصیب فرما یا اللہ مقبوضہ کشمیر کو آزادی نصیب فرما یا اللہ جو اس جہاد میں جو لوگ شہید ہوئے یا اللہ ان شہداء کے مقدس خون کا واسطہ ہے یا رب العالمین اس تحریک کو کامیابی عطا فرما یا اللہ افواج پاکستان کی حفاظت فرما ان کو ہمت اور توفیق عطا فرما تاکہ اس ملک کی بھی حفاظت کریں اور مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے لیے بھی اپنا بھرپور کردار ادا کریں یا رب العالمین یا ارحم الراحمین جتنے حضرات آئے جتنی جماعتوں کے قائدین آئے سب کو قدم قدم پہ اجر عطا فرما برحمتک نستغیث وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ